गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून सर। सॉरी बेटा, एक्चुअल में वो लिंक थोड़ा सा हो गया था, मुझे लग रहा है ना, मैंने शायद लिंक दूसरा भेज दिया था। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास। दो बच्चों को और ज्वाइन करने देते हैं। हिमांश बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो कल मैंने बेटा आपको एक असाइनमेंट भेजा था, आप लोगों ने ट्राई किया उसको? क्वेश्चन यस सर। हो रहे थे उसके? यस सर। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। मैंने कल आपको बोला था हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने कर लिया है बेटा वो अपने आंसर्स क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है, राइट। और जिन्होंने नहीं किया है बेटा वो लोग मेरे साथ में ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन करना है मोर इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, राइट। सॉरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आयुष्मान? फाइन सर। अंशुमन सर। अंशुमन, सॉरी, हाँ अंशुमन, सॉरी बेटा, इट्स ओके सर। ठीक है, अंशुमन ट्राई किया था बेटा, असाइनमेंट ट्राई किया था आपने? नो सर, कल बिजी था। ओके, करना है बेटा क्वेश्चन सभी को, हाँ ठीक है, राइट। क्वेश्चन करेंगे तभी जाके हमें क्लियरिटी आएगी बेटा टॉपिक की, है ना, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आज मैं जो हमने क्वेश्चन किए थे, मैंने भेजे थे आपको, हम क्लास में कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो साथ साथ में करेंगे। जो बच्चों ने किया है बेटा वो लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन था पहला वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स बेटा। क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने थे इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट था बेटा, ए था 52 मोल्स ऑफ। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, क्या आंसर था? 52 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल सही है बेटा। हमारे पास एक फॉर्मूला था, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन कितना था बेटा, एवोगैड्रो नंबर में एनए लिख रहा हूँ बेटा, इसको क्या लिख रहा हूँ, एनए, ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एनए बेटा, ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे बेटा, 52 इंटू कितना, है ना बेटा, कितना आएगा, 52 एन ए आंसर आएगा कि नहीं आएगा बेटा इसका? यस सर। सभी लोग बताएंगे बेटा, सभी लोग? यस सर। क्लियर है, राइट, ठीक है, right? सिमरन क्लियर है बेटा आपको? सिमरन आपको क्लियर है? कनन, रिद्धि? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलिए। सर जैसे आपने लिखा कि 52 NA, तो ऑप्शंस में 52 NA आएगा या फुल मल्टीप्लिकेशन? दोनों दे सकता है बेटा, वो दोनों दे सकता है, वो 52 NA भी दे सकता है या फिर ऐसे भी दे सकता है, 52 into 6.01 या 02 into 10 to the power 23। यूजली क्या होता है बेटा, NA के टर्म्स में गिवन होता है, मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में गिवन नहीं होता, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना, वो ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। तो आप हमें, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर आप सिर्फ डाउट्स ले लो ना, ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। क्या नाम है आपका? देवांशी। देवांशी बेटा, एक आध कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं मे भी, क्या है देखिए क्या है बेटा, आपने किया हुआ है, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक एक जो भी है, है ना, हर एक का, सो दैट आइडिया रहे बेटा कि करना कैसे है, ठीक है ना, राइट। बाकी हम लोग क्लास में, हम अलग से इसकी क्लास लेंगे जिसमें हम डाउट डिस्कस करेंगे बेटा। डाउट डिस्कस करना मोर इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू थ्योरी बेटा। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है बेटा दिव्यांशी, हाँ आई अप्रिशिएट बेटा, ठीक है ना, राइट। बट और भी बच्चों को है जिनको थोड़ा कोई डाउट होगा, कुछ होगा, तो उनको हेल्प मिलेगी इससे। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हम एक 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 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हर एक टॉपिक के। क्लियर है दिव्यांशी? ओके सर। ठीक है बेटा, राइट।
आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा. राइट, ठीक है. तो कितना था, 52 मोल्स था फर्स्ट वाले का, तो कितना था 52 एनए बेटा. राइट, ठीक है. यही अगर क्वेश्चन इसी का बी पार्ट करते हैं, 52 यू गिवन था हीलियम का, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे दिव्यांशी बेटा? 13/10. कितना बेटा? 13/10. सर खाली 13 है सर, 13 एटम्स. सिर्फ 13 आएगा बेटा, ना 13 अपॉन कुछ आएगा बेटा. राइट, ठीक है. क्योंकि ये U है बेटा, U का मतलब AMU, ठीक है ना. सो दिस मींस एक हीलियम एटम का जो मास है वो कितना है बेटा, वो 4 AMU होता है. एक हीलियम एटम का मास 4 AMU. तो 52 जो है AMU में हीलियम एटम्स कितने होंगे? 52 AMU में हीलियम एटम्स कितने होंगे? 13. तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने होंगे? 52 डिवाइड बाय कितना बेटा? 4, दैट इज इक्वल टू कितना? 13. क्लियर है दिव्यांशी? यस सर, कर लिया मैंने. कोई डाउट सर? हाँ जी बेटा बोलिए. सर इसको पहले मोल्स निकाल के फिर नहीं बेटा, मोल्स नहीं निकालने हैं आपको, ठीक है ना. आपको ये एमयू में गिवन था, है ना प्रांजल? प्रांजल बोल रहे हैं ना बेटा? यस सर. तो अगर ये एमयू में गिवन था बेटा, तो एमयू में मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है. एमयू मोल्स किस में निकालते हो आप? ग्राम में, है ना. मोल्स किसके लिए डिफाइंड होता है? ग्राम के लिए. Yes, आपको वहां पे ग्राम मॉलिकुलर वेट फॉर्मूला क्या था? वेट इन ग्राम, नॉट वेट इन एमयू बेटा. तो अगर एमयू है ना, तो डायरेक्ट करना है आपको डायरेक्ट. जैसे अगर यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आता, अगर ऐसे ही क्वेश्चन जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट था बेटा, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इसमें सी में क्या था, इसमें ऐसे गिवन था सी पार्ट में 52 ग्राम ऑफ हीलियम. अब पूछेगा बताइए कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 13 into 78.26 into 10 to 7.8286 into 10. तो आप पहले, अब इसमें वेट कितने गिवन है प्रांजल? वेट किसमें गिवन है? ग्राम में. तो आप क्या करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे. तो मोल्स इज इक्वल टू 52 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 14. तो मोल्स कितने आ गए? 13. और जितने मोल्स आए बेटा उसको एनए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम्स आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 इंटू एन ए. क्लियर है कि नहीं है बेटा? यस सर. ठीक है, तो अगर एमयू में है बेटा, है ना, तो एमयू में डायरेक्ट करना है. लेकिन 13 एमयू में तो कितना था? 52 एमयू में कितना था? 13 था. लेकिन अगर यहाँ पे 52 ग्राम है, तो जो भी 13 है उसके साथ आप लगा दीजिएगा एन ए. जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं, ठीक है ना, राइट, 54 एमयू में कितने नाइट्रोजन एटम होंगे बेटा? 54 एमयू में कितने नाइट्रोजन एटम होंगे? 54 सभी लोग बताएंगे बेटा, 54 एमयू में कितने नाइट्रोजन एटम होंगे? कितना बेटा? 17/7. देखिए बेटा, हाँ आप लोग 27/7. सॉरी, देखिए, हाँ, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना है? 14 AMU है कि नहीं है? एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 एमयू है कि नहीं है, पहले ये बताइए. यस सर. ठीक है, राइट. तो 14 एमयू में का एक एटम है नाइट्रोजन का, तो 54 एमयू में कितने एटम होंगे नाइट्रोजन के? दैट इज 54 डिवाइड बाय कितना बेटा? 14 है कि नहीं? यस सर. तो क्या आंसर आएगा? 27/7. 27/7. क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर. ठीक है, राइट. तो जब अगर एमयू में गिवन है बेटा, एमयू में आपको सीधे करना है, राइट,
यूनिटरी मेथड लगाना है सिंपल, ठीक है राइट। जैसे अगर लिखा था यहाँ पे 40 U ऑफ आर्गन, तो कितने एटम होंगे आर्गन के, अब U है ये, AMU है, तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, तो क्या होगा बच्चों, व्हाट इज द आंसर? वन एटम, क्योंकि हमें पता है एक एटम जो आर्गन का होता है उसका मास कितना होता है 40 AMU और गिवन भी 40 है, तो दिस मीन्स नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वन। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज ये बताइए सभी को। यस सर। यस सर। हिमांश, अभय, आयुष्मान, छवि। यस सर। अभी समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। दृष्टि, आपको? कनन? यस सर। राइट, अब यही अगर यहाँ पे ऐसे होता कि 40 ग्राम आपको गिवन होता आर्गन का, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होते? वन मोल, 6.02। जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे है बेटा, 40 AMU में वन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, Na से बस। तो मोल्स निकालिए, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40/40 कितने, वन, और Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऐसे ही कर दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स आप AMU में निकाला, अगर ग्राम में गिवन है तो Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों की नहीं है, बताइए प्लीज। यस सर। राइट, सभी लोग ट्राई करेंगे, लास्ट में इस लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है राइट। हमारे पास लेट्स सपोज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना राइट, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 3.0 into 10 to the power 23. तो हम क्या निकालेंगे, देखिए पहले मोल्स निकालें, मोल्स इज इक्वल टू 8/16, दैट इज 1/2, और अब नंबर ऑफ एटम्स, तो जो मोल्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से, एवोगैड्रोस नंबर से, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इनटू क्या आएगा बच्चों, Na आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों की नहीं है, बताइए। यस सर। सभी को बेटा, सभी को। छवि, आपको क्लियर है? दृष्टि, आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, रुचिका, आपको क्लियर है बेटा? रुचिका, आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, गुड। राइट, तो आपको क्या करना है, अगर AMU में गिवन है तो आपको सिंपल क्या करना है, उसके जो भी वेट गिवन है AMU को, उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, बट वहां पे क्या होगा, Na नहीं आएगा बस, ठीक है, Na नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ, ठीक है राइट, यहाँ पे है 64 AMU हमें है, हमारे पास है हीलियम का, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हीलियम के? 64 AMU है, तो हीलियम के कितने एटम्स हुए बच्चों? 16। तो क्या किया आपने, 64 जो AMU का वेट गिवन था उसके ग्राम एटॉमिक मास से आप, सॉरी एटॉमिक मास से आपने डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 16। यही अगर मैं आपसे पूछता कि 64 ग्राम में बताइए कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो क्या आंसर कहते हैं आप? 16 Na। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है ना? राइट, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स बेटा, ठीक है राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं राइट, ठीक है। या सेकंड क्वेश्चन था, अब ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मास ऑफ वन एटम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगर एक एटम है किसका बेटा, Ag का,
तो Ag का जो एटॉमिक मास होता है बेटा 108 होता है, कितना होता है 108। तो क्या यूनिट लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, ग्राम की AMU, क्योंकि मास किसका एक एटम का बोला हुआ है, तो एक एटम का मास में क्या आएगा AMU आएगा बेटा, ठीक है। यही अगर आयरन होता बेटा एक एटम का मास तो वो होता 56 AMU। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग, सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। यस सर, ठीक है राइट। थर्ड क्वेश्चन था बेटा कि कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, हाँ कैलकुलेट द ग्राम एटम्स। अब ग्राम एटम्स पूछा हुआ है आपसे, ठीक है राइट। तो कैसे करेंगे ग्राम एटम्स में, ग्राम एटम्स का मतलब क्या, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्वेश्चन था पहला 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम था बेटा, तो कितने मोल्स होंगे इसमें, कितने, 0.32। वो ये कितना हो गया 9 मोल्स निकालने हमें, दैट इज 9 अपॉन कितना एल्यूमिनियम 27 3। तो मोल्स कितने आ गए बेटा, 1/3 आ गए कि नहीं आ गए बताइए। यस सर, ठीक है राइट। यही अगर पूछा हुआ है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में बताइए कितने मोल्स होंगे, तो क्या आंसर आएगा, 4 मोल्स। रुचिका बेटा एक बात बता दूं मैं, आप क्लास आपने बाद लेट ज्वाइन किया था बेटा, जो ग्राम एटम है ना बेटा, ग्राम एटम बोला हुआ है कि कैलकुलेट द ग्राम एटम, या जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया, ग्राम एटम बेटा इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स। रुचिका समझ में आया बेटा आपको? यस सर। ग्राम एटम अगर कभी बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम या ग्राम एटम, इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द मोल्स बेटा। ओके सर, करेक्ट है बेटा, कोई डाउट? नो सर। ठीक है राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में था 100 ग्राम बेटा, हाँ क्या था फोर्थ क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम बेटा, हाँ तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है, तो कितना आंसर आएगा बेटा, 10.5 तो अब यहाँ पे ग्राम गिवन है बेटा, तो ग्राम में मोल्स निकाल दे, दैट इज 100 अपॉन कितना बेटा 40, कैल्शियम का मोल 40 हुआ, तो ये 0, तो ये कितना हो गया 5.2 मतलब 2.5, तो मोल्स तो कितने आ गए 2.5, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए बच्चों बताइए, 15.05 कितना हो जाएगा Na। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर, ठीक है राइट, करेक्ट है बेटा, कोई डाउट, कुछ भी पूछना है आपको इसमें से? नो सर, नो सर, क्लियर है राइट। सो ये 4 क्वेश्चन थे बेटा, पहले 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना राइट। सभी को ट्राई करने बेटा, पहले 4 क्वेश्चंस आगे भी करने, किसी को फर्स्ट 3, पहले 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा कैसे करना है, सेकंड क्वेश्चन दोबारा समझा दो, कौन सा बेटा ये वाला सेकंड क्वेश्चन, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, ओके ठीक है राइट। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा राइट, आपसे बोला हुआ है कि बताइए मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, तो मास ऑफ वन एटम तो क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास होता है कि नहीं होता बेटा बताइए, एक एटम के मास को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं कि नहीं कहते बताइए। यस सर। और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है बेटा, AMU। यस सर, ठीक है। तो अगर सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का एटॉमिक मास बेटा होता है 108, कितना होता है 108, ठीक है राइट, ये गिवन होगा बेटा, हाँ आपको एटॉमिक मास जनरली गिवन होता है क्वेश्चन में, तो ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, याद है तो अच्छी बात है, और जब क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। सिल्वर का कितना होता है 108, और यूनिट क्या लगाएंगे बच्चे, AMU। ओके सर। जैसे अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा बेटा, 1 AMU। तो बस यही लिखना था बेटा वहां पे। ओके सर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 8, 9 तो दिव्यांशी आपसे हो गया बेटा, 9th और 10th बेटा,
सर टेंथ yes, पहले टेंथ करा दें yes, चलिए टेंथ कराते हैं बेटा। हाँ क्वेश्चन टेन है बेटा, सभी लोग देखेंगे 10 kg क्या गिवन है बेटा, नियॉन गिवन है ठीक है ना, प्लस साथ में गिवन था 24.04 × 10³ एटम्स गिवन था ऑफ नियॉन, प्लस गिवन था बेटा 20 ग्राम एटम नियॉन का गिवन ठीक है। हमें कैलकुलेट करना था टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना था बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है किसके, नियॉन के। तो अब देखिए क्या है बेटा, पहला केजी में गिवन है राइट, तो पहले अगर हम मैं एटम्स चाहिए बेटा, तो एटम्स हमें कैसे मिलेगा, वेट अगर गिवन है, मैंने आपको ऐसे एक चार्ट बनाया था, इधर गिवन था बेटा मोल्स, इधर गिवन था वेट, और इधर था नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें वेट से एटम कैसे मिलेगा, वेट से हम क्या निकालेंगे पहले मोल्स, और मोल से क्या निकालेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स ठीक है राइट। तो देखिए क्या करना है आपको, पहला है 10 kg नियॉन, इसमें कितने मोल्स होंगे पहले, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, क्या था कि नहीं था बच्चों बताइए, सभी को फॉर्मूला क्लियर था ये, ठीक है राइट। अब वेट कितना है बेटा इसमें 10 kg, बट आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1000 से, तो 10 × 1000 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास कितना, 20। कोई डाउट, नो सर, ठीक है तो इसको 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया बेटा 1000/2, दैट इज कितना हो गया 500 हो गया कि नहीं हो गया बताइए, yes sir, so this means number of atoms, sorry number of moles कितने आ गए 500, तो number of atoms बताइए क्या होगा बच्चों, क्या होगा number of atoms, mole कितने multiply कर दें, अब वो कितने number से multiply कर दें, है कि नहीं, 3011 अभी सिर्फ Na रखते हैं, बाद में solve कर लेंगे इसको हम, तो number of atoms कितने होंगे 500 × Na, ये किसमें हो गए इसमें, क्लियर है बेटा दिव्यांश, क्लियर है हिमांश बेटा, क्लियर है आपको, कन्नन आपको क्लियर है बेटा, यस सर क्लियर है, यस सर अभय आपको क्लियर है बेटा, यस सर ठीक है राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 500 × Na, ये तो इसमें आ गया, इसमें नंबर ऑफ एटम्स तो बेटा डायरेक्टली गिवन है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4Na लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए, यस सर है ना, एक एनए कितना होता है 6.02, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.04 आएगा, तो इसको मैं कितना लिख रहा हूँ 4Na लिख देता हूँ, इसको हम 4Na 24.08 आ रहा है, इस क्या आ रहा है बेटा 24.08 कर दे, क्लियर है बेटा ठीक है राइट। अब क्या है 20 ग्राम एटम बेटा, अब देखिए ग्राम एटम का मतलब क्या है, What do you mean by gram atom? Moles. Moles. So this means इसमें कितने 20 moles given है? इसके neon के, तो 20 moles में कितने atoms हुए बेटा बताइए? 20 Na. 20 Na हो गए. So this means answer क्या आएगा बेटा? ये इसमें पहले वाले में कितने थे 500 Na, दूसरे वाले में कितने बेटा 4 Na, और तीसरे वाले में कितने 20 Na. So what is the total number of moles? 524 क्लियर है बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए, कि मैं रिपीट करूं आप बताइए बेटा, हाँ सभी लोग बोलेंगे बेटा, सभी लोग इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ठीक है राइट, yes, सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए बेटा, ये कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये यहीं पे क्लियर करना है हमें, मैं सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, सभी लोग जवाब देंगे, अगर आप नहीं बोल सकते तो राइट इन द चैट बॉक्स बेटा प्लीज, क्लियर है सर, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, यस सर क्लियर, क्लियर है ठीक है, यस सर आपको क्लियर है बेटा, अभी
सर हाँ जी बेटा बोलिए, फिफ्थ क्वेश्चन समझा दो। फिफ्थ बेटा भी समझा रहा हूँ, पहले ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए आपको ये? Yes, क्लियर है सर। ठीक है राइट, तो पहला पार्ट है जो इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं फिफ्थ अभी करूंगा बेटा, ठीक है आप ये देख लीजिए एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं इसके में थे कितने बेटा, इसमें थे फाइव, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने थे अगर हम वैसे लिखना चाहें एनए के टर्म्स में तो फोर एनए या ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें कितने थे ट्वेंटी एनए। सो द फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है बेटा 524 NA, या आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, 524 × 6.02 × 10³। क्लियर है बेटा, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है राइट, दिव्यांशी प्रांजल आपको क्लियर है बेटा ये? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर लास्ट में जो 20 ग्राम नहीं हो ना, इसमें से तो 1 NA आएगा। नहीं बेटा 20 ग्राम एटम है बेटा। क्या नाम है आपका? हिमांश सर। हिमांश बेटा ग्राम एटम हो गया, ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या था हिमांश? मोल्स, मोल था ना है। तो 20 मोल्स ही बने बेटा, है ना? तो 20 मोल्स में एटम्स कितने होंगे, 20 एनए। यस सर। है ना हिमांश, क्लियर है ना बेटा हिमांश? यस सर। ठीक है राइट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट था बेटा इसका, पूछा था टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो क्या आंसर होगा बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स में? 524 एनए हटा देते हैं बस, तो आंसर कितना हो गया 524। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों? सर नहीं, सी पार्ट में था टोटल वेट बेटा, तो हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू होता है कितना बेटा, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, है ना? तो मोल्स कितना था बेटा 524, वेट इन ग्राम अपॉन कितना बेटा 20, तो वेट इन ग्राम कितना मिल जाएगा बेटा, वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 524 इनटू कितना बेटा 20, है कि नहीं बच्चों बताइए? 10480। हाँ जी क्लियर है बेटा, प्रांजल क्लियर है आपको? यस सर। दिव्यांशी आपको हो गया क्लियर बेटा ये क्वेश्चन अभी? राइट yes, right? सभी बच्चों को और बेटा, छवि आपको क्लियर है? कन्नन आपको क्लियर है बेटा? यस सर। सिमरन रुचिका बेटा आपको क्लियर है? सिमरन yes, रुचिका बेटा, रिद्धि आपको क्लियर है बेटा? यस सर। कन्नन आपको? यस सर। हिमांश बेटा, हिमांश, अभय, आयुष्मान? यस सर क्लियर है। क्लियर है बेटा राइट, ठीक है? यस सर करेक्ट। ओके, कोई भी डाउट है बेटा तो प्लीज पूछेंगे, हाँ एन नंबर ऑफ टाइम्स आप पूछ सकते हैं बेटा, हाँ मेरी ड्यूटी है ये आपको बताना बेटा, हाँ मेरे में जिम्मेदारी बनती है, अगर आप यहाँ पे आए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि हर बच्चे को समझ में आए, और मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ चाहे वो अच्छा हो या बहुत अच्छा हो, बट एवरी चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट टू मी बेटा, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए मेरी क्लास में। क्लियर है, मैं एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार हूँ, ठीक है ना, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे बेटा राइट, बट समझ में आना चाहिए हर बच्चे को। क्लियर है बेटा राइट, ठीक है? तो आपको भी एफर्ट करना है, नहीं आपको सिर्फ इतना एफर्ट करना है, नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ बताना है कि सर मुझे नहीं आया, मैं किसी भी तरीके से आपको समझाऊंगा जरूर बेटा, ठीक है? लास्ट पूछा था, लास्ट पार्ट था बेटा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बेटा, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है? कोई डाउट बेटा क्वेश्चन में? कोई डाउट? अब आप नाइन्थ, एट्थ और नाइन्थ अपने आप ट्राई कर सकते हैं, एट्थ और नाइन्थ, एट्थ भी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही, एट्थ भी ऐसे ही है बेटा, नाइन्थ भी बिल्कुल ऐसे ही है, कर सकते हैं आप लोग ट्राई? यस सर। ठीक है राइट, तो एट्थ और नाइन्थ आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे बेटा, क्या दिव्यांशी आपको, सॉरी प्रांजल, नाइन्थ में बताऊं कि अभी आप ट्राई करेंगे बेटा? नाइन्थ तो कर रखा है बट वेरीफाई करना था आंसर, वेरीफाई करना था, चलिए कल की क्लास में करेंगे प्रांजल बेटा, हाँ ठीक है राइट। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन था बेटा, एक फिफ्थ क्वेश्चन था, हाँ जो पूछा था मुझसे, ठीक है राइट, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना था,
फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तो जब कभी बेटा एटम्स बताना है तो इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, अगर ग्राम में वेट गिवन है तो मोल्स निकालना है, मोल्स के बाद एटम आ जाएगा। तो हमें क्या गिवन है बेटा, 1 ग्राम Ag गिवन था, सो दिस मींस मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वेट इन ग्राम, दैट इज 1/27। मास अभी बताया था कितना बेटा, 1/108। और अब अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछता हूं मैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा बेटा, 1/108 इनटू कितना बेटा, Na, है कि नहीं बेटा बताइए। यस सर। सर फिर हमें पेपर में इसका मास गिवन होएगा? हाँ मास गिवन होगा बेटा, डोंट वरी अबाउट बेटा, मैंने पहले भी बोला है मास गिवन होगा बेटा, ठीक है ना, राइट। यूजली होता क्या है बेटा, जो पहले 20 एलिमेंट है ना वो एग्जामिनर समझता है कि ये इसको आता होगा एटॉमिक मास, तो वो जनरली गिवन नहीं होता, राइट। बट जो उसके आगे के जितने भी एटॉमिक मास है वो गिवन होता है बेटा, ठीक है। तो Ag हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इन सबका एटॉमिक मास आपको गिवन होगा बेटा। ओके सर, थैंक यू। क्लियर है बेटा? यस सर। इन्होंने पूछा था मुझसे बेटा ये, हु हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, हिमांश सर, मैंने पूछा था। क्लियर है बेटा अभी आपको? यस सर, क्लियर हो गया। जैसे अगर ऐसे एक पार्ट था इसमें 1 ग्राम ऑफ Fe बोला था, तो 1 ग्राम ऑफ Fe में नंबर ऑफ एटम्स 56, और एटम्स कितने हो गए बेटा, 1/56 इनटू कितना बेटा, Na, है कि नहीं बेटा बताइए। यस सर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट सर, राइट। तो ये था बेटा जो भी हमने क्वेश्चन किए थे, या करना है बेटा हर क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन जो भी मैंने दिया है बेटा हर क्वेश्चन करना है। जिन बच्चों से एक बार में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, एक बार में नहीं हो रहा है तो आपको दोबारा जरूर लगाना है बेटा, तब तक लगाना है जब तक कि हमारी हैबिट ना बन जाए बेटा, ठीक है ना, राइट। मेन दिक्कत क्या है, जब आप 10th से 11th में आते बेटा तो दिक्कत ये आती है कि हम अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को, और अप्रोच करना बेटा तभी आता है जब हम उस चीज को बार बार यू लगाएंगे, बार बार देखेंगे ऐसा कैसे हुआ क्यों हुआ। जब एक बार आपको 2-3 बार आप लगा लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे करना है। आप में और मुझ में क्या फर्क है बेटा, सिर्फ आप और मुझ में ये फर्क है कि मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ और ये मैं बहुत बार लगा चुका हूँ, इसीलिए ये मेरी हैबिट में आ गई, अब मैं तुरंत बता देता हूँ ये इसका आंसर होगा। तो अगर आप भी उसको 6-7 बार लगा लेंगे तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा बेटा, यू आर इक्वलेंट टू मी। मैंने क्या 2-4 किताबें ज्यादा पढ़ी हुई आपसे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये मैंने नहीं गिवन है, ये मैंने नहीं दिया है बेटा, ना ये मैंने बनाया है, एवोगैड्रोस ने बनाया, डाल्टन ने बनाया, दोस पीपल आर मोर इंटेलिजेंट, है ना। हम तो क्या कर रहे हैं, कहीं से पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप में और मुझ में सिर्फ इतना ही फर्क है बेटा कि मैं काफी साल से ही कर रहा हूँ, आप ये पहली बार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये इसको रिपीट करेंगे तो आपको भी, आप और मेरे जैसे फ्लुएंट हो जाएंगे, और जिस दिन हो जाएंगे बेटा आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो हमें क्या करना है, मेनली ये काम करना है बेटा, हमें हैबिट बनानी है हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, और वो तभी होगा, आपको तभी याद आएगा, या तभी होगा जब उसको आप 2-3 बार लगा चुके होंगे। अगर आपने एक बार लगाया है फिर आपने छोड़ दिया, कुछ दिन बाद फिर से अगर वो क्वेश्चन आएगा तो फिर से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना, आप 2-3 बार उसको करिए, सो देट दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, सीधे पेन चलाए हम, ठीक है। जैसे टेबल आता है, अगर आपसे पूछे कि 4 का टेबल सुनाइए, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यू नो नीड टू मल्टीप्लाई, आपने आप अपने जमान से आपको निकलता जाएगा 4 1 4 4 2 8, क्योंकि आपने इतनी बार उसकी प्रैक्टिस करी भी है। तो सेम चीज यहाँ भी है बेटा, आप इसको 2-3 बार करेंगे ना, 3-4 बार तो ये अपने आप पेन चलने लगेगा आपका, बस काम हो गया हमारा, और क्या चाहिए। बात समझ में आ रही बेटा मैं क्या कह रहा हूँ सभी को? यस सर, ठीक है, राइट। तो आपको जो भी क्वेश्चन एक बार में हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहली बार कर रहे हैं ये चीज, ठीक है ना। और मैं आपको बिलीव कर रहा हूँ बेटा, है ना, मैं आपको बता दूं ये सबसे मुश्किल चैप्टर है बेटा, आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं क्लास 11 क्लास 12 में सब बहुत आसान चैप्टर आने वाले, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट जब आता है ना बेटा, आधे ज्यादा बच्चे सरेंडर कर देते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन हम बहुत बार हम इस चीज को बहुत सारे बहुत टाइम दे के इस चैप्टर को करने वाले हैं, सो देट ये हमारा बिल्कुल अच्छे से हो जाए, सो देट जब कभी इसकी हमें कहीं पर भी जरूरत पड़े किसी भी चैप्टर में तो हमें ये आता हो, ठीक है, राइट।
इसको आगे हम और इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था बेटा एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, तो हमने बोला था वन मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा एएमयू होगी। क्या होगी एएमयू। फिर अगर हम ये कहें कि अगर यहाँ पे क्या है वन मोल, एक मोल मॉलिक्यूल है बेटा, तो उसके मास को हम क्या कहेंगे, एक मोल मॉलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे बेटा हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। ठीक है ना, मतलब जब आपने क्या करा 6.02 × 10³, अगर आपने 6.02 × 10³ वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं और उनको वेइंग मशीन में डाला है या रखा है, तो उसका वेट कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, अगर हमने 6.02 × 10³18 ग्राम, एक्सीलेंट, कितना आएगा 18 ग्राम। फर्क क्या है एटॉमिक मास ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास में इतना फर्क है, इसका एमयू यूनिट है, इसका क्या है ग्राम। तो बस आपको क्या करना है एटॉमिक मास में क्या कर देना, आपको सिर्फ ग्राम लगा देना है, तो वो क्या बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ 6.02 × 10³, अगर मैं यहाँ ओ टू मॉलिक्यूल लेता हूँ बेटा, तो कितना मास आएगा 32 ग्राम आएगा। अगर यही मैं 6.02 × 10³ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेता हूँ बेटा, तो कितना मास आएगा 28 ग्राम। सभी को क्लियर है बेटा, ये सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है बताइए। यस सर। ठीक है राइट, तो मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्लियरिटी है। जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताइए C12H22O11, ये हमने कल की क्लास में भी किया था, कितना था इसका 342 ग्राम। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। ठीक है राइट, यही अगर मैं बोलता कि 342 AMU है, तो कितने मॉलिक्यूल होते वन, और अगर 342 ग्राम होता तो कितने मॉलिक्यूल होते इसके Na, नहीं वन नहीं बेटा, ग्राम है तो ग्राम में कितने होंगे Na होंगे, Na वन मोल है कि नहीं। ओके सर, क्लियर है बेटा राइट। अब देखिए यहाँ, ठीक है राइट, ठीक है अब देखिए ध्यान से बेटा, हाँ ठीक है राइट। अगर क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, ठीक है ना राइट, क्या है कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स बेटा, हाँ कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 44 AMU ऑफ CO2 एंड इसका दूसरा पार्ट है 44 ग्राम ऑफ CO2 बेटा। तो क्या पूछा है नंबर ऑफ, आपसे एटम पूछे हुए कि कार्बन के और ऑक्सीजन के बताइए, जब 44 AMU हमने CO2 लिया, अब जो 44 ग्राम CO2 लिया, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, सर 44 AMU में एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन के होंगे। वेरी गुड, और जब 44 ग्राम लेंगे बेटा तब सर 12.04 × 10³ ऑक्सीजन बेटा, हां डोंट नो नीड टू मल्टीप्लाई, गिव इन द आंसर इन टर्म्स ऑफ Na बेटा, 2 Na ऑक्सीजन के होंगे और Na किसके होंगे, एक Na कार्बन के होंगे, कार्बन बिल्कुल सही है बेटा। देखिए क्या है 44 AMU बेटा, हां 44 AMU इज क्या है, इसको क्या लिखे हम, इस मास ऑफ क्या लिखे 44 AMU इज मास ऑफ क्या बच्चों, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। क्या सभी बच्चे एग्री करते हैं इस बात से बेटा, क्या सभी बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। ठीक है 44 AMU इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है राइट। अब क्या है इसका मतलब, जो 44 AMU है उसमें कितने मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल है CO2 के, और
एक मॉलिक्यूल जो CO2 का है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ जो CO2 है उसमें कितने एक एटम किसके हैं, कार्बन के, एंड टू एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, है कि नहीं बच्चों, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए ये चीज। यस सर। कोई बोल नहीं रहा बेटा, प्लीज सभी लोग बताएंगे बेटा ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दे, ये लाइन क्लियर है बेटा, 44 mu इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये क्लियर है? यस सर। एक CO2 मॉलिक्यूल का मास 44 mu है, इसका मतलब 44 mu इज इक्वल टू वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना, ये करेक्ट है बेटा? यस सर। ठीक है, सो अब एक मॉलिक्यूल CO2 में, हम अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोल रहा हूं बेटा, तो कितने एटम है कार्बन के एक मॉलिक्यूल CO2 में? वन। और ऑक्सीजन के कितने बेटा? दो। टू। तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल CO2 कंटेन्स कितना, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या सही नहीं है ये? यस सर। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। सभी को क्लियर होगा कि बेटा ये, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं बार बार प्लीज बोल रहा हूँ बेटा, समझ जाइए क्योंकि इम्पोर्टेंट है बेटा, ये सभी को आना चाहिए, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, तो ये तो था किसका, जब 44 amu था तब। अब 44 ग्राम की बात करते हैं, हाँ ठीक है, देखिए अगर 44 ग्राम है बेटा, हाँ तो 44 ग्राम ऑफ CO2 कितने मोल्स के बराबर हुआ बेटा? 44 ग्राम वन मोल, वन दैट इज वन मोल ऑफ CO2, ठीक है ना, राइट। अब ध्यान से देखिए, एक मोल CO2 में है ना, वन मोल ऑफ CO2 में कितने मोल्स कार्बन के होंगे बेटा? वन मोल, क्योंकि अब मोल बात कर रहे हैं ना, तो अगर ये CO2 वन मोल है तो कार्बन के उसमें वन मोल होंगे और ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? टू मोल। जब वन मोल ऑफ CO2 है तो इट कंटेन्स वन मोल ऑफ कार्बन एंड टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है ना? और वन मोल किसके बराबर होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है? Na. तो कितने Na एटम्स ऑफ क्या, कार्बन। और ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? टू एन ए। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। सभी को बेटा, सभी को क्लियर है बेटा? सिमरन, हिमांश, रुचिका बेटा क्लियर है? रुचिका आपको क्लियर है बेटा? सिमरन यस सर। कनन बेटा आपको क्लियर है? यस सर। रिद्धि, रिद्धि बेटा, प्रांजल यस सर। ठीक है, दिव्यांशी बेटा आपको क्लियर है? छवि, छवि, दृष्टि बेटा आपको क्लियर है? दृष्टि आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, गुड, राइट। तो क्या है 44 mu में, 44 mu का मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, सिंपल थंब रूल बनाना है बेटा। अगर क्या है एटॉमिक मास दे रखा है, उसका क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है, तो उसमें क्या होगा एक एटम या जितने एटम्स हैं वो गिवन होगा वहां पे मॉलिक्यूल में, राइट। लेकिन अगर 40 अगर वही ग्राम में गिवन है तो आप जितने एटम्स लगाना बेटा उसमें एनए से मल्टीप्लाई कर देना, बस क्या कर देना एनए से मल्टीप्लाई, अगर ग्राम में है तो। अगर एमयू में है तो एनए नहीं आएगा, ग्राम है तो एनए आएगा बेटा, बस। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? यस सर। अगर ऐसे पूछा हुआ, देखिए अभी आप ट्राई करना सभी लोग, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 180 U ऑफ C6H12O6 एंड 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 बेटा। C6H12O6 इज ग्लूकोज बेटा, क्या होता है ग्लूकोज,
सर 180U में कार्बन के 6 एटम्स होंगे. वेरी गुड. हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6. और ग्राम में बेटा हाइड्रो कार्बन के 6 मोल्स होंगे. 6 मोल्स नहीं बेटा, Na के टर्म्स में 6Na. 6Na. हां हाइड्रोजन के 12Na और ऑक्सीजन के 6Na. क्या नाम है बेटा आपका? हिमांश. हिमांश नहीं, हिमांश ने बिल्कुल सही किया है बेटा. और किसी का आया बेटा यही आंसर? यस सर. ठीक है. क्या नाम है बेटा आपका? प्रांजल. हां यस सर. यस सर. और किसी का आया बेटा? यस यस सर. यस सर. यस सर. अभय बेटा आपका आया? अभय आपका आया बेटा क्या? अभय आयुष्मान बेटा आप दोनों का आया कि नहीं आया बताइए. यस सर. हाँ अभय बेटा आया? यस सर आ गया. आयुष्मान बेटा आपका झूठ नहीं बोलना है बेटा. हाँ अपने आप से झूठ कभी नहीं बोलना. आप मुझसे झूठ बोल लीजिए बट डोंट लाई टू योर सेल्फ बेटा. हाँ अपने आप से झूठ बोलना. जिस दिन बंद कर देंगे आप कामयाब हो गए बेटा. आप कहीं भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. हाँ जिस दिन आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देंगे उस दिन आपका सिलेक्शन डन है बेटा. राइट. वेदर यू टेक एडमिशन इन SHM या कहीं और पढ़े, LN पढ़े या कोई पढ़े, कुछ भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता बेटा. ठीक है ना? आता है तो आता है बेटा, नहीं आता है तो नहीं आता है. स्ट्रेट अवे मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा ना सुनने में. ठीक है ना? बट आना चाहिए तो आना चाहिए बस बेटा, इतना होना चाहिए. ठीक है ना? राइट. हाँ जी बेटा बोलिए. सर अगर 180U की जगह कोई और वैल्यू होती तो भी करते हैं, अभी करते हैं, वो भी करते हैं बेटा. क्या नाम है आपका? रिद्धि. रिद्धि बेटा वो भी करते हैं. चलिए पहले 180 वाला करते हैं. पहले C6H12O6 का एटॉमिक मास निकाल के देखते हैं तो वो कितना आता है. 6 × कार्बन कितना बेटा? 12 + 12 × हाइड्रोजन कितना बेटा? 1 + 6 × कितना बेटा? ऑक्सीजन का 16. तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? 180. कितना आ रहा है? 180. क्लियर है बेटा? ये किसी को डाउट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोस इज 180 बेटा. ठीक है ना? राइट. अब क्या है तो इसका मतलब एक वन जो मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल जो होगा C6H12O6 का, उसका मास कितना है बेटा? 180U या 180 AMU. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है बताइए. यस सर. राइट. अब एक मॉलिक्यूल का मास इतना है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 क्या कंटेन्स, क्या क्या है इनके पास? 6 कार्बन के, 12 एटम्स हाइड्रोजन के और 6 एटम्स किसके? ऑक्सीजन के बेटा. सो दिस मींस कितना हो गया? 6 एटम्स किसके हैं? कार्बन के. और 12 एटम्स किसके? हाइड्रोजन के. और 6 एटम्स किसके बेटा? ऑक्सीजन के. कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? नो सर. क्लियर है सभी को? नो सर. सिमरन आपको क्लियर है बेटा ये? छवि आपको क्लियर है? ठीक है बेटा. राइट. ठीक है. रुचिका बेटा आपको क्लियर है? रुचिका बेटा आपको क्लियर है? यस सर. ठीक है बेटा. राइट. ठीक है. राइट. तो ये था जब 180U था बेटा. हाँ अब अगर मैं यहाँ पे ग्राम लगा देता हूँ. हाँ ठीक है ना? तो 180 ग्राम, तो 180 ग्राम का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए उसमें? 1 मोल है कि नहीं बच्चों? एमयू और क्या फर्क है? एमयू मींस क्या होगा? जब एक एटम का मास होगा या एक मॉलिक्यूल का मास होगा तो यूजली एमयू में होगा, बट जब ग्राम में गिवन होगा तो दैट विल बी क्या? मोल्स. ठीक है. राइट. तो जैसे अगर मैं पूछता हूँ, देखिए यहाँ अगर मैं मोल्स निकालना चाहता हूँ तो मोल्स इज इक्वल टू कितना बेटा? वेट. ठीक है ना? राइट. क्लियर है? तो वेट कितना गिवन है? 180 गिवन था और ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 180 है. तो मोल्स कितने आगे बेटा? 1 आगे कि नहीं आगे बताइए. यस सर. यस सर. 1 मोल जो C6H12O6 का वेट कितना है बेटा? 6 ग्राम. 180 ग्राम है कि नहीं? तो दिस मींस 1 मोल ऑफ C6H12O6 कंटेन्स कितना है बेटा? 6 मोल्स ऑफ कहते हैं 6 मोल्स ऑफ कार्बन. 12 मोल्स ऑफ कितना बेटा?
हाइड्रोजन और 6 मोल्स ऑफ क्या ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो 6 मोल्स का मतलब कितना बेटा, 6 एनए किसके कार्बन के, 12 मोल्स का मतलब 12 यानी हाइड्रोजन के, और 6 मोल्स मतलब 6 एनए किसके ऑक्सीजन के। क्या यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा बच्चों बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताइए, सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले ये बताइए बेटा, सभी को सभी का आंसर चाहिए। यस सर। यस सर। ठीक है राइट। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, सभी मतलब सभी लोग बेटा, एवरी चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट टू मी बेटा। एक ऐड आता था अगर आपको याद है पोलियो ड्रॉप का, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, तो कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए बेटा यहाँ पे। हाँ एक बच्चा छूट जाएगा तो चेन खराब हो जाएगी बेटा, ठीक है ना राइट। तो प्लीज एडवांटेज लीजिए बेटा, आना ठीक है ना राइट। हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत कम है तो उसका फुल एडवांटेज लीजिए, जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछिए। मैं भी बार बार नाम लेके पूछ सकता हूँ, यही क्लास अगर 50 या 100 बच्चों की होती तो मैं कभी नहीं पूछता बेटा, ना कभी पूछता ना कभी मुझे नाम याद रहते बच्चों के। 120 बच्चों की क्लास में किसका नाम याद रखना है, क्या पूछना है, एक आध बच्चे का नाम याद होता था बस, या वो क्वेश्चन पूछता था तो उसका डाउट क्लियर हो पाता था बस, बाकी रेस्ट बच्चे ऐसे ही रह जाते थे। ठीक है तो ये एडवांटेज है बेटा आप लोगों का, तो प्लीज उसको लीजिए एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना। कितना डिस्कस कर सकते हो वो करिए राइट। अब रिद्धि ने क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस करते हैं। रिद्धि ने बोला कि सर इससे अगर क्या हो जाए दूसरा आ जाए तो पहले इसे कम करके देखते हैं, हम इसे कम करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने 90 U ले लिया बेटा, ठीक है ना राइट, मैंने इसका 90 U ले लिया, तो अब मुझे आप बताइए बेटा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें 90 U में बेटा। रिद्धि क्या बता सकते हैं 90 U में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे C6H12O6 के? हाफ। टू। क्या सभी का हाफ आंसर है कि नहीं है पहले ये बताइए बेटा, क्या हाफ है कि नहीं है पहले ये बताइए। एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है बेटा, एक मॉलिक्यूल का मास 180 U है, सो दिस मींस हाफ मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा बेटा बताइए। yes, बच्चों होगा कि नहीं होगा ये बताइए। yes, sir. ठीक है अब आप मुझे इतना बताइए क्या हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा इसका? नो सर। रिद्धि क्या हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा बेटा? नो सर। नहीं बेटा। नो सर। ठीक है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे, हाफ एटम एग्जिस्ट करे, नहीं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको यही बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है ना राइट। मॉलिक्यूल्स को आप ठीक है ना 2, 3, 4 कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट उसको हाफ फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हो। ऐसे कभी नहीं होगा कि वो 2.5 हो जाए या 1.5 हो जाए या 3.2 हो जाए, ऐसे कभी नहीं होगा बेटा। मॉलिक्यूल या तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, होल नंबर होगा बेटा, बट कभी भी हाफ नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। बात समझ में आई रिद्धि? यस सर। तो इसका मतलब 90 U में तो ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है, क्लियर है, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बेटा किसी का भी। क्लियर है बेटा सभी को ये चीज? यस सर। ठीक है राइट। अब बात आती है यहाँ पे, क्या 90 ग्राम, क्या 90 ग्राम एग्जिस्ट करेगा या इस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बेटा? यस सर। यस, क्योंकि अब ये ग्राम है और ग्राम का मतलब मोल्स आ गया, मोल्स मींस नंबर, तो नंबर कैन बी फ्रैक्शन, नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है क्योंकि मोल्स आर नंबर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स को आप हाफ कर सकते हो, 1/4 कर सकते हो, 1/2 कर सकते हो, 2/5 कुछ भी कर सकते हो। तो मोल्स कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन इन डेसिमल्स, कैन बी डन, कैन बी डिवाइडेड, कैन बी मल्टीप्लाइड, बट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसको आप और आधा या और हाफ 1/4 नहीं कर सकते। सो दिस मीन्स क्या होगा, अगर 90 ग्राम होता और हम अब पूछते हमसे तो ये तो हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब 90 ग्राम में मोल्स कैलकुलेट कर ले तो मोल्स कितना हो गया बेटा, 90 अपॉन कितना, 180 कितना हो गया, 1/2 अब इसमें देखिए, इसमें एक मोल जो होता, एक मोल C6H12O6 में कितने मोल्स कार्बन के, 6 मोल्स है ना, 6 मोल्स का मतलब कितने बेटा, 6 एने,
12 मोल्स किसके हैं कार्बन के, दैट इज 12 एनए, और 6 मोल्स किसके हैं ऑक्सीजन के, दैट इज 6 एनए, ठीक है राइट। और अब हाफ मोल में पूछता मैं तो कितने होते हैं रिद्धि बताइए, 3 एनए, 6 एनए और 3 एनए, 3 एनए, 6 एनए और 3 एनए। कोई डाउट बेटा, किसी भी बच्चे को डाउट? नो सर। क्लियर है दिव्यांशी बेटा, आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है राइट, तो बात समझ में आई बेटा आपको रिद्धि, अभी क्लियर है क्यों हाफ राइट ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा जरूर हो सकता था बेटा, हाँ यहाँ पे ये जरूर हो सकता था कि यहाँ मैं इसको लिख देता 360 U, अब ये पॉसिबल है, बट हाफ पॉसिबल नहीं है, दो पॉसिबल है। तो 360 कितने का मास का मॉलिक्यूल का मास हो गया, दो का, टू का। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है कार्बन के, 6, तो दो एटम्स में कितना होगा, दो मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे इसके, 12, इसके कितने, 24, इसके कितने बेटा, 12। कोई डाउट बेटा, ये बात सभी को जो रिद्धि ने पूछी थी, ये बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए बेटा। यस सर। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, हाँ ये वाली बात, ठीक है तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है राइट। सॉरी, क्लियर है बेटा ये बात, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। राइट, चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है राइट। राइट, क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 200 AMU and 200 gram CaCO3 बेटा, calculate number of atoms of each element बेटा, atoms of each element, calculate number of atoms of each element in 200 AMU and 200 gram of CaCO3 बेटा, calcium carbonate। तो please try करेंगे सभी लोग। 200 AMU में एटम ऑफ कैल्शियम का एक एटम, 100 AMU में एक एटम कैल्शियम का, दोबारा चेक करिए बेटा। सर 200 ग्राम में 2 एटम है सी के कार्बन कैल्शियम के, 200 ग्राम में कि 200 AMU में बेटा, 200 ग्राम में नहीं, जब ग्राम में होगा बेटा तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एनए, क्योंकि ग्राम किस में आएगा, मोल्स में आएगा बेटा, और मोल्स के जो नंबर आएंगे हमेशा इन टर्म्स ऑफ एनए आएगा। सर 200 AMU में 2 कैल्शियम एटम, 2 कार्बन एंड 6 ऑक्सीजन। ओके बेटा, व्हाट इज योर नेम बेटा? देवांशी। देवांशी, देवांशी ने बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, राइट। सभी लोग और ट्राई करेंगे, देखिए क्या है, सिंपल फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आपको वेट किस में लेना है बेटा, एएमयू में, क्या लेना है वेट एएमयू में, डिवाइडेड बाय आपको मॉलिक्यूलर मास करना, क्या करना है मॉलिक्यूलर मास करना है। तो वेट एएमयू पे कितना गिवन था बताइए बच्चों, सभी लोग बताएंगे वेट कितना गिवन था बेटा, 200 गिवन था, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 100। तो दिस मींस कितना हो गया, ये 2 आ गया कि नहीं आ गया बेटा, तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिले किसके, CaCO3 के। एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो दो मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल विल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ, सॉरी 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन,
क्या सही है कि नहीं ये बताइए सभी लोग बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है तो याद रखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम सॉरी वेट इन एमयू अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कोई डाउट बेटा कोई डाउट? सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा प्लीज बताएंगे। यस सर। अब यही अगर हमें क्या होता ग्राम में गिवन होता है बेटा तो ग्राम में जब गिवन होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह क्या लिखते बच्चों हम मोल्स मोल्स लिखते और यहाँ वेट इन क्या आ जाता बच्चों ग्राम और नीचे क्या आता ग्राम एटॉमिक मास आ जाता सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता। तो अब आंसर कितना आता मोल्स कितने हो गए बेटा टू मोल्स में कितने होंगे बेटा यहाँ पे टू के साथ क्या लगा देना आप टू एन ए तो टू एन ए ऑफ क्या बेटा कैल्शियम टू एन ए ऑफ कार्बन एंड सिक्स एन ए ऑफ क्या बच्चों ऑक्सीजन है कि नहीं है बताइए। यस सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा मैं रिपीट करने को तैयार हूँ एन नंबर ऑफ टाइम्स बेटा बट ये आना चाहिए सभी को। क्लियर है सर। ठीक है अब मैं एक एक करके नाम लेके बोल रहा हूँ बेटा हाँ मुझे बताइए समझ में आया आयुष्मान आपको समझ में आया बेटा? यस सर। अभय आपको समझ में आया बेटा? यस सर। छवि आपको आया बेटा समझ में? छवि का आंसर नहीं आया मुझे। दिव्यांशी आपने कर लिया बेटा दोनों पार्ट? यस सर। ठीक है दृष्टि आपसे हुआ बेटा? दृष्टि आपसे हुआ बेटा? सर आई एम ट्राइंग। ओके बेटा कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए बेटा। हाँ हिमांश आपसे हो गया बेटा? यस सर हो गया। कन्नन आपसे? यस सर। ठीक है प्रांजल आपसे बेटा? यस सर। रिद्धि आपसे? यस सर। रुचिका आपसे बेटा? रुचिका यस सर। सिमरन आपसे बेटा? yes. सिमरन आपसे हुआ बेटा? ठीक है हिमांशु आपसे हुआ बेटा? हिमांशु आपसे हुआ? हिमांशु आपसे हुआ बेटा? हिमांशु यू कैन राइट इन द ठीक है बेटा ओके। सिर्फ छवि का आंसर नहीं मिला मुझे बेटा। छवि आ गया सर समझ। ठीक है बेटा गुड क्लियर है राइट ठीक है तो 200 ग्राम और 200 एमयू में बेटा सिर्फ दो फॉर्मूला लगाने एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक नंबर ऑफ मोल्स का बेटा बस ठीक है ना राइट। मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप प्लीज ट्राई करिए ठीक है ना गलती मत करना ठीक है ना राइट। सिक्सटी एट एमयू और 68 ग्राम हमें गिवन है बेटा अमोनिया ठीक है आपको नंबर्स ऑफ ईच एटम्स कैलकुलेट करने बेटा ठीक है 68 एमयू और 68 ग्राम में बेटा सर 68 एमयू में 4 एटम्स नाइट्रोजन के होंगे ओके और 12 एटम्स इसके होंगे हाइड्रोजन के वेरी गुड बेटा और ग्राम में भी यही होएगा सिर्फ क्या लगा देंगे वहां पे Na लगा देंगे Na लगा देंगे बस। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बेटा। डन सर। डन क्या नाम है आपका? अंशुमन। अंशुमन बेटा वेरी गुड प्लीज बेटा हाँ अगर आपको क्लास में नहीं समझ में आ रहा जरा सा भी डाउट है प्लीज हाँ आप कॉल करिए बेटा ट्वेल्थ के बच्चे जरा सा भी कुछ होता है उनको समझ में नहीं आता दे कॉल इट इमीडिएटली बेटा हाँ मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपके टच में रहूं आई विल कॉल यू
रेंडमली, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्लीज हाँ आप तुरंत कॉल करिए बेटा आफ्टर द क्लास या जब भी आप फ्री हो, आई एम रेडी टू डिस्कस विथ ऑल विथ यू बेटा, कुछ भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, आई एम रेडी टू हेल्प, ओके सर, एनी टाइम, ठीक है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं जेनेसिस में था बच्चे मुझे 2:45 रात में बेटा 11:45 पे कॉल किया करते थे, 1:30, 1:45 पे, ठीक है ना, राइट, जस्ट टू क्लियर देयर डाउट बेटा। हाँ, और उन सब की परसेंटाइल, जो बच्चे ऐसे 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 हैं उनकी परसेंटाइल अगर मैं आपको बताऊंगा तो जेनेसिस उसको पोस्टर में छापने वाला है अभी थोड़ी दिन में, ठीक है ना, राइट। सो क्या करना है आपको, आपको क्वेश्चन पूछना है बेटा, हाँ जरा सा भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी, ठीक है, राइट, यस सर। तो अगर हम करें बेटा 68, हाँ तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है बेटा, 68/17, कितने बेटा 17, तो कितना आंसर आएगा बेटा, 4, दैट इज इक्वल टू 4, सो दिस मींस एक मॉलिक्यूल में किसके, NH3 के, एक एटम नाइट्रोजन के हैं और 3 एटम्स किसके बेटा, हाइड्रोजन के हैं, सो एक मॉलिक्यूल में इतने, तो 4 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बेटा, 4 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 12 एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, नो सर, सभी को बेटा, सभी को क्लियर है ये चीज, यस सर, अब फर्क क्या है बेटा, अब अगर ग्राम में गिवन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जगह क्या लिखते हैं बच्चों, हम नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स कितने आ गए बेटा, वो तो 4 ही रहने वाला है, ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल में क्या होगा, फर्क क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल में 1 मोल होंगे किसके, नाइट्रोजन के, या 1 मोल की जगह लिखते हैं 1 × NA, चलो मैं लिख दूं पहले 1 मोल नाइट्रोजन के और 3 मोल्स किसके, हाइड्रोजन के, तो 1 मोल इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, Na नाइट्रोजन के एटम्स और 3 Na किसके, हाइड्रोजन के एटम्स, तो 4 मोल्स में कितने होंगे, 1 मोल्स में इतने, तो 4 मोल्स में कितने होंगे, 4 Na नाइट्रोजन के और 12 Na किसके, हाइड्रोजन के, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, नो सर, सभी बच्चों को बेटा, सभी हमने काफी क्वेश्चन ट्राई किए हैं बेटा, मैंने इसीलिए जानबूझ के इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए बार बार एक ही जैसे प्रॉब्लम, सो दैट हमें पता चल जाए करना क्या है बार, क्लियर है बेटा, यस सर, यस सर, यस सर, हम इसको और डिफिकल्ट कल बनाएंगे, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन करेंगे कल, जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है ना, राइट, तो ये आप रिवाइज करके आइएगा जितना भी हमने डिस्कस किया है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ बेटा जो भी हमने डिस्कस किया एक बार, ठीक है ना, ठीक है, तो कल आप सब रिवाइज करके आना, वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स और सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बेटा, जो एग्जाम में एडवांस में पूछी जा चुकी है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, राइट, तो हमने क्या सीखा बेटा, हमने अगर मोल्स है ना, हमने मोल्स का फॉर्मूला सीखा था, मोल्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एटम और इन कैन बी टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, अगर आप मोल्स किसके निकाल रहे हैं बेटा एटम के, तब आपको वेट इन ग्राम एटम का लेना है, अपॉन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, यही अगर आप मोल्स किसके कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम मॉलिक्यूल्स का, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, वेट इन ग्राम तो किसका आएगा, मॉलिक्यूल का, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों बताइए, हमने देखा था मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ये हो सकता है, ठीक है, या फिर और मोल्स इज इक्वल टू हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या हो सकता है बेटा, एवोगाड्रोस नंबर हो सकता है, नंबर, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, नो सर, क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है बताइए, यस सर, यस सर, क्लियर है, तो अगर एटम है बेटा तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, राइट,
और मोल्स है तो मोल्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट कुछ भी डाउट बेटा तो प्लीज पूछेंगे। नहीं सर, राइट ठीक है, क्लियर है, राइट ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमने बार बार यूज किए बेटा, ये चार फॉर्मूले, ठीक है ना। मेनली अगर एटम है तो एटम्स के टर्म्स में या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बेटा। करेक्ट है बेटा, कोई डाउट? क्लियर है बेटा, ये क्लियर है, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, ठीक है, राइट, साइड होना। हाँ जी बेटा, मैं नोट सेंड करूंगा बेटा। हाँ, थैंक यू, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए, क्या कह रहे हैं दिव्यांशी बेटा, जो आपने कल क्वेश्चन किए थे उनके आंसर की, हाँ बेटा मैं आंसर भेज दूंगा। हाँ, मैं आई विल सेंड यू द आंसर बाय टुडे इवनिंग बेटा, तो आप मैच कर सकते, सबमिट करनी है वो असाइनमेंट। हाँ जी बेटा, सबमिट करनी है बेटा, आप पर्सनली मुझे सेंड करेंगे बेटा। हाँ, सब लोग पर्सनली सेंड करेंगे, क्योंकि अगर आपने सेंड कर दिया तो सम अदर कैन कॉपी इट बेटा, ठीक है। तो प्लीज सेंड मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर बेटा, सभी के पास मेरा नंबर है। ओके सर, सभी वंडरफुल, क्लियर है बेटा। मैं फिर से, आपने आपसे झूठ नहीं बोलना है, हमने किया है तो किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, छुपाना नहीं है, ठीक है ना। जिस दिन हम छुपाने लगेंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा, है ना, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का और आपके पेरेंट्स का इतना एफर्ट करने का बेटा, मुझे कोई जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, आपके जो भी पैसे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो मेरे लिए बिल्कुल काम के नहीं है बेटा, ठीक है ना, राइट। मैंने जॉब छोड़ी इसीलिए छोड़ी कि जो भी बच्चे मुझे मिलेंगे मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा और उनका अपने हिसाब से मेहनत करूंगा उन बच्चों पे, सो दैट वो कहीं ना कहीं बेटा सेलेक्ट हो, ठीक है ना। चाहे दो बच्चे हो, चाहे पांच बच्चे हो, चाहे दस बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा मुझे इससे, ठीक है, राइट। मैं बहुत जॉब भी कर चुका हूँ बेटा, मैं बहुत सारी एमएनसीज में जॉब किया हुआ है। अगर कोई पानीपत का है तो आप जानते हैं वहाँ पे रिफाइनरी है बेटा, हैव यू हर्ड अबाउट रिफाइनरी, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। यस सर, बिफोर कमिंग टू द एजुकेशन फील्ड बेटा, हाँ, आई वॉज वर्किंग इन दैट रिफाइनरी बेटा, ठीक है। आप समझ सकते हैं, वैसी जॉब छोड़ के मैं पढ़ाने लगा हूँ बिकॉज की मेरे को इंटरेस्ट था। मैं फ्री टाइम पे क्या होता था, जो भी गवर्नमेंट स्कूल होते थे पानीपत में, उसमें जाके पढ़ा लिया करता था, ठीक है, राइट। कभी भी फ्री टाइम मिला तो चले गए पढ़ाने के लिए, कि चलो पढ़ा दिया तो अच्छा लगता था, फील हो रहा है। पर जैसे जैसे पढ़ाने लगा तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैंने वो जॉब छोड़ के आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, क्योंकि एक बिल्कुल नया फील्ड है, कोई मुझे जानता नहीं था, कुछ नहीं था, तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी जीरो जीरो, और अब मैं फिर से बिल्कुल जीरो पे हूँ बेटा। हाँ, क्योंकि मैं आई हैव स्टार्टेड अ न्यू वेंचर, नया चीज हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाँ ठीक है, राइट। मैं दो दो बार तीन तीन बार ऐसे रिस्क ले रहा हूँ या लिया है मैंने, ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास दो बच्चे या पांच बच्चे हों बेटा। हाँ ठीक है ना, राइट। बट हर बच्चा अगर सेलेक्ट होगा तो आई विल फील वेरी प्राउड, आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील होगा इसी से, नहीं यार हमारे टीचर ने, मेनली एफर्ट बेटा आपका है उसमें और आपके पेरेंट्स का है, हमारा योगदान तो बहुत ही कम है बेटा। टीचर टेक्स अ क्रेडिट, बट यूजली क्रेडिट वो आपका है और आपके पेरेंट्स का है, क्योंकि आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर रहे हैं हर चीज़ आपके लिए, सुविधा दे रहे हैं, और आप कर रहे हैं क्योंकि आप, मैं कितना भी यहाँ पे करा लूँ या कर दूँ आपको यहाँ पे, लेकिन अगर आप एग्जाम में नहीं करके आएंगे या घर पे मेहनत नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन है बेटा, कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ, ठीक है ना, राइट। और मोटिवेशन ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है बेटा एक्चुअली में। हाँ, जैसे कल उस दिन अटल भाटिया कह रहे थे, योर गोल शुड बी योर मोटिवेशन, है ना, आपका गोल है बेटा वही मोटिवेशन होना चाहिए बस। मोटिवेशन क्या होता है बेटा, वोलेटाइल सब्सटेंस होता है कि नहीं होता है? बताइए, है ना, उड़ जाता है, वोलेटाइल होता है। किसी ने आज हमें क्या करा, मोटिवेट कर दिया, हमें पंप कर दिया, बिल्कुल वी आर वेरी चार्ज्ड, हम आज ही कर लेंगे, हम आज मेहनत कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन कल फिर से फुस हो जाएगा। तो ये जो आपने गोल बनाया है बेटा, हाँ, कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे ये बनना है, दैट शुड बी योर मोटिवेशन, ठीक है ना, राइट। उसके अलावा आपकी कोई मोटिवेशन नहीं है, और इसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, कितनी भी मेहनत कर सकते हो बेटा, हाँ, उसका कोई लिमिट नहीं है, और आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने जीवन में बेटा। यू कैन अचीव एनीथिंग बेटा, जस्ट यू नीड अ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, दोनों बेटा, ठीक है ना, राइट। आई एम रेडी टू हेल्प यू, आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे कॉल करिए, कोई भी डाउट है
रिलेटेड टू केमिस्ट्री और नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री बेटा, एग्जैक्टली ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना, राइट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, क्लियर है, बट करना है बेटा, मेहनत आपको करनी है, वी कैन जस्ट सपोर्ट यू बेटा, ठीक है, योर पेरेंट्स कैन सपोर्ट, योर टीचर कैन सपोर्ट यू, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डू इट। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बेटा, ठीक है ना, उस दिन आप समझ लीजिए ना कि आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा आपके पैर जमीन पे नहीं होंगे बेटा, है ना, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे कि 17-18 साल में एक बच्चा कहीं ना कहीं जाके मतलब एग्जैक्टली सेटल्ड हो गया 17-18 ईयर्स में, कितनी बड़ी बात है पेरेंट्स के लिए, ठीक है ना, राइट। यही अगर आप देखिए ना, ये चीज मेनली उसने भी, अटल ने भी बोला था, या मैं भी अपनी क्लास में बोलता हूँ, मेहनत करना बेटा, ये जो तैयारी है ना ये आपको मेहनत करना सिखाएगी आपको, ठीक है ना, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कभी भी आप देखें ना, कोई भी पेपर हो, चाहे डॉक्टर हो, आजकल डॉक्टर भी आईएएस क्रैक करते हैं, इंजीनियर्स तो करते ही हैं, या कैट क्रैक करते हैं, तो आप देखिए ज्यादातर वही लोग होते हैं जो हर फील्ड में वही लोग जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको मेहनत करना आ गया है। और आप कोई सा भी एग्जाम दो बेटा, अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे वो ये वाली मेहनत हो या फिर आगे जाके आप कभी ग्रेजुएशन करें, वहां पे जाके मेहनत करें, किसी एग्जाम की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करें, या आईएएस की करें, या पीसीएस की करें, कुछ भी तैयारी करें, बट करना आपको मेहनत तो कभी ना कभी करना पड़ेगा बेटा। और ये राइट एज है बेटा मेहनत करने की, क्योंकि इसमें आप बहुत यंग हैं, आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, बस एनर्जी को आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा। तो बहुत सारी बातें होगी, राइट, ठीक है, इतनी ज्यादा, ठीक है ना, राइट। मैं यूजली मोटिवेट करता नहीं हूँ, राइट, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मोटिवेशन एक आध दिन की बात होती है, अगले दिन फिर से वही हो जाता है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ योर गोल शुड बी योर मोटिवेशन बेटा। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलिए। सर, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस बेटा वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो नंबर ऑफ जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जैसे हम कहें कि कोई एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाए, जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम कहें तो केमिकल रिएक्शन में, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C+O2 गिव CO2, ठीक है, राइट, तो C+O2 गिव CO2, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कार्बन एटम इधर दिख रहा है बेटा तो कार्बन एटम इधर भी आना ही चाहिए, क्योंकि हमने बोला था केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है या रीअरेंजमेंट होता है, एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड या क्रिएटेड। अगर इधर ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन होगा ही होगा, फर्क ये है यहाँ पे जो कार्बन है वो एटम के फॉर्म में है, यहाँ कार्बन किस में, उस मॉलिक्यूल के अंदर है या कंपाउंड के अंदर है, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यहाँ वही ऑक्सीजन इस कंपाउंड में है, तो फर्क इतना है। बट क्या होगा न्यूक्लियर रिएक्शन से बेटा, लेट्स सपोज दो हाइड्रोजन एटम बन के क्या बन गया, हीलियम बन गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एटम क्या होगा, कोई जरूरी नहीं कोई एटम हो तो वो क्या होगा, चेंज होके दूसरा एटम बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है, राइट, उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। कोई डाउट बेटा आज की क्लास में कुछ पूछना है किसी को बेटा, प्लीज पहले बताइए, यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, सब चीज क्लियर है बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, ठीक है, राइट, मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉल मी एनी टाइम, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज किसी भी बच्चे को मुझे आप कॉल करिए या टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है ना, वी विल डिस्कस इट बेटा, ठीक है, राइट। तो प्लीज जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आप ट्राई करिएगा, मैं अभी शाम को आपको थोड़ी देर बाद उसके आंसर की भेज दूंगा, क्योंकि मैंने भी बनाया नहीं है उसके आंसर, बट मैं बनाऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, राइट। अगर किसी ने कर लिए बेटा, सारे ट्राई कर लिए हैं और सारे कर लिए हैं, तो प्लीज सेंड मी पर्सनली, हर बच्चे को सेंड करना है, जो भी 12 स्टूडेंट है क्लास में सभी को भेजना है बेटा, ठीक है, राइट। तो आई एम एंडिंग द क्लास बेटा, ठीक है ना, हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बेटा, बाय बाय सर, बाय सर, बाय सर बेटा, बाय बाय।